बिलासपुर में बनने जा रहे एम्स अस्पताल के निर्माण को लेकर पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बंबर ठाकुर ने जहां एम्स निर्माण में स्थानीय लोगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया, तो साथ ही इस मुद्दे पर बिलासपुर शहर में विशाल रैली करने की भी चेतावनी दी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जहां हिमाचल प्रदेश को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की सौगात दी गई है, तो वहीं बिलासपुर के कोठीपुरा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं अब एम्स निर्माण कार्य को लेकर आवंटित ठेकों पर सियासत गरमाने लगी है, जिसके चलते बिलासपुर सदर सीट से पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर ने ठेकों की बंदरबांट करने का आरोप जड़ा है। बिलासपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा एम्स निर्माण में हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के वादे को याद दिलाते हुए केवल दो ही स्थानीय ठेकेदारों को ठेके देने और अन्य लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एम्स में कोठीपुरा के पास हमने धरना दिया कि बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिले, उसमें मैं धन्यवादी हूँ जेपी नड्डा जी का। उन्होंने बिलासपुर के दो अति गरीब लोगों को काम दिया, जिनकी 200-200, 400-400 बलकर बोगियाँ जो सीमेंट लोहाई राखड़ लोहाई का काम कर रही हैं ब्रह्माणा के अंदर, अनंत प्रकाश बोरा जी को दे दिया जो बिलासपुर जिला के सबसे गरीब आदमी हैं, जिनका मैंने कहा कि बोगियों से पेट नहीं भरा, उत्तराखंड में उनका काम है उससे उनका पेट नहीं भरा, अब वो बिलासपुर के किसानों के पेट में लात मार करके दूध दही पनीर लस्सी और यहाँ तक पानी सप्लाई करके अपनी गरीबी मिटा रहे हैं। और ऐसे ही एक और ठेकेदार है, उसको वहाँ पे बड़ा काम दिया गया है। बाकी बिलासपुर के एक भी नौजवान को ना मजदूरी का काम वहाँ पे मिला, ना कोई सुपरवाइजर लगा, ना कोई ठेकेदार बना, ना किसी ट्रैक्टर को काम है। जो वहाँ के लोकल लोग ट्रैक्टर में पानी सप्लाई कर सकते थे, वो पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। बिलासपुर के MLA मूक दर्शक बने हुए हैं। बिलासपुर के MLAs को यहाँ के नौजवानों की रोजगार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार जागेगी नहीं, और ऐसे जो बड़े सरमाएदारों को काम दिया गया है उस काम को रोका नहीं जाएगा, गरीब लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। तो हम शहर के अंदर रैली भी करेंगे और बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से हम सरकार से पूछेंगे, नड्डा जी से पूछेंगे कि 16,000 नौजवानों के रोजगार का क्या हुआ। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।